बस अब योर लाइफ इज सेट गेट सो मच अटेंशन मगर अगर आप अपना मूव खोलेंगे ना आपको बात करनी नहीं आती है तो आपका कोई गेम नहीं है ट्रस्ट दैट Asalaamu Alaikum everyone, welcome back to yet another episode of Ahaz Den. Man, from sculpting himself with the heavy tons of steel to reaching 100k followers on Instagram. The man has already come on your screens as well on the ARY Warriors Challenge. The man is Ali Raza Riz. What an intro, wow. <laughs> come on, <laughs> bro. 100k we in 99.4 as the episode. Uh. <laughs> It's but, been short, we're but recording I think eventually, this, exactly, we're, we're pre-recording this. Pre-recording, so <laughs> till then, I don't let's <laughs> see what number we've 150, 200? Maybe, who knows? who knows. Inshallah. Inshallah. What's up? What's up, how's life? You tell me. I'm starting this as normally as I can. Acha. <laughs> I'm not scripting this one thing. <laughs> no, 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 I'm against scripting. I think things should be very on the spot and spontaneous. Oof, very cool pro spontaneous pro spontaneous But life, man. life's been good. a lot of thing, uh, things have been happening. Uh, recently, i was just looking back upon the fact that, as i said, mentioned to you, I year kik making my instagram account. So, it's crazy, man, how things can change so quickly for you. like, when i started this, like, I gave would like reach the milestone of 100k. As it still seems insane to me. i don't know how i've done it. you've not been able to digest the fact. No, i haven't. yeah, think... मैं कभी कभार जो है ना यू टू लुक एट यू नो अक्सर आप दूसरे लोगों के पेजेस देखते हैं तो मैं देखता था अपने दोस्तों के ले, यार बोले यार दस हज़ार फॉलोअर्स हैं दैट्स इनसेन लाइक लिटरली में रिएक्शन होता छः सात हज़ार रे भी मेरी आंखें खुल जाती थी एंड द फैक्ट दैट आई एम रीचिंग क्लोज टू हंड्रेड के नाउ इज जस्ट माइंड बॉगलिंग बट डूड यू डन सम रियली इमेंस हार्ड वर्क हैज इवेंचुअली लेड यू लेट्स डाइव इन टू योर हिस्ट्री थोड़ा सा हम डाइव इन करेंगे आई वॉन्ट गो इन टू मच डेप्थ तुम्हें कौन सा डिप्रेशन लगा हुआ है भाई जिम डिप्रेशन पे जाते है बंदा <laughs> यार मेरा बताऊँ यार मेरी मुझे बहुत फील होता है कि मेरे अच्छा अक्सर मैं बहुत डिटेल में नहीं बताता हूँ लाइक मेरे बहुत जो करीबी दोस्त हैं ना उनको मेरी जिंदगी की पूरी स्टोरी पता है बिकॉज आई फील लाइक कि मुझे ऐसा लाइक like, पता नहीं मुझे फील होता है सिम्पति या सॉफ्ट स्टोरी यू नो आई डोंट वांट टू मेक इट कम ऑफ लाइक इवन दो थी बट लाइक ऐसे मैं बोल नहीं सकता बट टू सम इट अप मैं बस ये कहूँगा कि यार मैं जो है ना था इंतहाई कमज़ोर मैं मैंटली भी बहुत कमज़ोर था मीरा आई कुडन डाइजेस्ट द फैक्ट अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ मुझे आप कहें ना आई जस्ट एक्सेप्टड आई विल यार ये इनके मुंह से निकली ये सच है मेरे बारे में विच आई फील लाइक वॉज द बिगेस्ट लेसन दर आई लर्न के कोई भी आपकी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बुराई कर रहा है तो मैं जो है ना बोलूँगा ये सही कह रहा है आई विल नेवर थिंक ऑफ द फैक्टर दिस इज गाइज ओपिनियन यू नो ही कुड भी रॉन्ग सो यू टेकिंग क्रिटिसिजम ऑन योर हार्ट पर्सनली ये आई फील लाइक दैट इज द वन थिंग दैट वॉज अ वेरी बिग फॉल्ट ऑफ माइंड एंड उसकी वजह से दैन फिर और मज़ी चीज़ें थिंग्स और वर्ड फॉर मी स्कूल में थोड़ा बहुत बुली भी हुआ कमज़ोर था तो कूडेंट फाइट बैक एंड देन इवेंचुअली यार एक पॉइंट आता है कि जब आप शीशे में खुद को देखते हो ना तो आपको बता यार मैं ये क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ एंड कोविड में यही हुआ था कि मैंने शीशे में ख़ुद को एक दिन देखा आई रिम्बर मैं उस वक्त सीढ़ में था जान पुछ के नहीं पतार फॉर मंथ ओनली उसके अलावा बिकॉज कोविड हट एंड मैं प्राइवेट हो गया बिकॉज मैं ऑनलाइन क्लासेज के साथ नहीं कर पाया लाइक इट वॉज एल फॉर मी बॉक आज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स थोड़ी पर्सनल चीजें भी मेरी लाइफ में बहुत चल रही थीज इम्पैक्ट और मैं आगे जाकर उसकी वजह से ना जो मैंने शीशे वक्त तो को देखा मैंने कहा यार लाइक इज दस वट माई लेगे इज दिस हाउ एम गन बी नोन फॉर एंड देन ऑल्सो मेरे दिमाग में पीछे होता था यार मेरी बहनों ने इतना मेरे लिए लेवल लाइक like, ऊपर किया है कि are, are two, like, मेरे पर आई एम नॉट लाइफ फैमिली प्रेशर बहुत आई फेल लाइक माई डैड हैज डन सो मच इन इज लाइफ माई सिबलिंग्स हैव डन सो मच इन दियर लाइफ आई लाइक हाउ एम आई लाइक एम आई गन बी जस्ट लूजर लूज गन बी सैड अबाउट एंड क्राई ऑल डे वो मेरा टर्निंग पॉइंट था अच्छा उसके बाद क्या था जिम तो उस वक्त बंद थे कोविड था लॉकडाउन एक्जैक्टली ah, exactly. यहाँ पे आई फील लाइक कि मेरी मैंटेलिटी जो है ना शिफ्ट हो गई थी मैंने आप सोचो मैंने दो केजी के जी के डम्बल लिए मैं शुरू हो गया मैं पचास शब करता था, था बस मैं बीस किस्म की एक्सरसाइजेज में करता था मैं दस किस्म के अलग पे शब करता था मतलब मैंने शुरू कर दिया एंड दैट इज़ वॉट यू नीड मैंने कोई बहाने नहीं बनाया कि क्या मेरे पास अभी तो जिम नहीं है वेट कर लेते हैं वेट मैंने वेट किया ही नहीं मेरे पास जो था घर में अवेलेबल आई वर्किंग आउट दैट लाइक वेंजेंस और एग्रेशन के यार डिप्रेशन चढ़ गया आई एम गोइंग टू डू जो भी मिले आई फील लाइक इट वॉज मोर ऑफ कि यार मेरी इट वॉज मोर ऑफ कि मैं अपने I was seeing my surrounding सही है मैं अपने बहनों को देख रहा था what they were doing with their life मैं अपने अब्बा को देख रहा था और मैंने कहा मैं मैं कैसे like what am I doing it was more of a like अपने गिरबान में जाग के मैं देख रहा था वे, वे, वे. देखा मैंने कहा ये क्या है <laughs> तो इसीलिए then मैंने जो है ना बिल्कुल फर्म अपना अच्छा द अदर थिंग वॉज आई स्टार्ट एनजॉइंग मुझे बहुत मजा आना शुरू हो गया मैंने शायद वर्किंग आउट थोड़े मैंने कट्स देखे

चीखने के बजाय मुझे वो अलग बात है भी तक भी नहीं, नहीं, चीख नहीं पाया वो ही होता है ना कि आर ट्रांसफॉर्मिंग योर बॉडी टू लाइक एंड अगेन यू वंस किस चीज का इंतजार है भाई ये एक ही बार आप आए इस दुनिया में तो मैक्सिमाइज योर स्टैट्स भाई सब कुछ Goku man, <laughs> Goku. I'm sorry, I'm sorry all the way Vegeta boys, but Goku has my heart. Okay, fair enough. Acharya, say it. We talked about transformation, okay? I'm pretty sure in that transformation you hit plateaus as well. We had this conversation previously huh. as well. That three you had like what? New begins. Exactly. You had exactly. <laughs> you had the new begins, but then at one point in time you are hitting a plateau, okay? You battled depression, you came out of it, but once you reached that plateau, did that depression come back in? अच्छा प्लाटू का ये सीन था कि अच्छा मेरा जो है ना मुझे फील हुआ कि वन आई हिट द प्लाटू ना आई वॉज मेकिंग वन बिग मिस्टेक वन ह्यूज मिस्टेक स्किपिंग लेग्स यस पहले दो तीन महीने जो मैंने घर पे वर्कआउट किया ना स्कॉट्स मैंने किए ही नहीं उस वक्त इतनी आइडिया नहीं थी मैं चीज़ें सीख रहा था मगर मैंने उस डेप्थ में नहीं सीखी थी बिकॉज मैं उस वक्त अगेन आई वॉज वेरी इमोशनली मोटिवेटेड नॉट लाइक यू नो दिमाग इतना नहीं चल रहा था उस वक्त बस ता करना है कुछ ना कुछ करना है अब जब मुझे ये पता चला ना कि हर लेग्स के कितना लेग्स मैटर मैन मैं आपको बता नहीं सकता लेग्स लिटरली आपकी फाउंडेशन है Simple. बिल्डिंग जो होती है उसके नीचे अगर आप शीशे से बनाओ और ऊपर सीमेंट चढ़ा दो तो क्या होगा गिरेगी ना बिल्कुल लेग्स का और अच्छा मैं एक और जगह भी यही बात की थी देसी जो लोग हैं ना हम इतना हैं आपको सौदा लेना होता है आप क्या करते हैं

यार एक बात लेवल की उस लेवल नहीं की नहीं की होगी बट स्टिल भी थोड़ी, थोड़ी की थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत कम लोगों के मेजोरिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने इतनी नहीं की होगी बिकॉज वो खौफ होता है इतनी वॉक नहीं की होगी

तो बिकॉज इनहेरेंटली हमारी टाँगें वैसी इतनी यूज़ में नहीं आती तो इसीलिए जब हम फिर जाते हैं ना लेग्स करने तो हम थोड़ा खौफ में होते हैं यार टांगे यार उठा नहीं जाएगा ये नहीं किया जाएगा वो नहीं किया और इतना उसको वो किया हुआ है कि इफ़ यू हैड लेग्स वॉन्स यू कॉन्ट गेट अप फॉर अ वीक ऐसा भी नहीं होता आर बॉडी अडेप्ट थिंग्स वेरी क्विकली मैन आई स्टार टेकिंग लेग्स सीरियसली मुझे कोई दो हफ्ते दर्द हुआ था सिर्फ उसके बाद बस कुछ सीन हो गया था देन उसका मैंने देखा मेरी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ जो इंक्रीज़ हुई है एंड मैंने देखा फॉर एवरी वन अंडस्टिंग इफ यू वन अ गेट अक्यूज ऑफ टेकंग गर स्टार्ट हेडिंग लेग्स लेग्स के बाद जो मेरी अपर बॉडी की ग्रोथ बढ़ी ना बिकॉज इंक्रीज इन टेस्टोस्ट्रोन माई ओवरऑल ऑल ऑफ माई लिफ्ट वेंट आप बेंच प्रेस जब आप करते हैं टांगे इस्तेमाल करते हैं लेग ड्राइव एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लेग्स इतनी आपकी कोर फाउंडेशन हर चीज़ में आता है कि जब लेग्स आपकी पक्की हो जाएंगी ना अपर बॉडी की ग्रोथ बढ़ेगी एंड देन पीपल आर कैन स्टार्ट सिंग बाई तुमने तो टीके लिए <laughs> तुमने तो कुछ ना कुछ किया है <laughs> तो यू वांट दैट फीलिंग स्टार्ट हिटिंग लाइक सीरियसली उसने फिर मेरा ओवरकम किया एंड देन अब उस तब से लेकर अब तक आई फील लाइक अलहमद लाइस बिन एन इंक्लाइन अब तक कोई एग्जैक्टली exactly ऐसा आया नहीं है ऑब्वियसली ग्रोथ स्लो हो गई है इतनी क्रेजी नहीं हो रही बट दैट्स बिकॉज ऑब्वियसली नेचुरल है तो उतनी क्रेजी अब इंक्लाइन नहीं आ रहे जो स्टार्टिंग में थे एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन विद दैट सिंपल सिंपल

Legs, but it's genetics ना. अब देखें हर चीज तो परफेक्ट नहीं हो सकती और ना मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार आप परफेक्ट हो मेरा एक है थोड़ी वीक पॉइंट है मेरी टांगे मेरी को चले मैं आपके साथ एक लाइव अभी जो है ना पॉडकास्ट हूँ आप मेरी लेग्स देखें आप मुझे बताएं हाउ मज थी आप गैस <laughs> करें कितना लग रहा है आपको बस मेरे काफ yeah,

Damn, that That is is so freaking deep. That's the highlight of this <laughs> but episode. That is, मैं यही इतनी मुझे ये आज कल लाइन में साथ रेजोनेट कर रही है तो मैं भी इंसान यार कभी कभी मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ मैं गोरों को देखता हूँ मैं बोलता हूँ यार काश मैं ऐसा होता या कोई आई सी सम लाइक जेनेटिक फ्रीक ब्लैक डूड हुज लाइक इनसेन कोई सत्रह साल का नहीं बिगड़ दनमी दिल में कभी कार होता है उनकी जीन्स देर इनक्रेडिबल स्पेसिफिकली जिम गया हूँ पहले दिन हाँ पहले दिन वो बंदा आके पुलअप्स ऐसे कर रहे है नहीं मसलअप्स ऐसे कर रहे Oho. जैसे बंदा बाईसेप कर्ल 4 केजी से कर रहा हूँ यूं एंड ही डिड व्हाट 30 मसलअप्स इन फ्रंट ऑफ मी 30 मसलअप्स आई वाज शॉक्ड और मेरा पहला दिन था लंदन ah. में और मैं जिम गया था कजन <laughs> के साथ ठीक है वो कर लिए ah. ही तो का a okay. उसके बाद फिर 25 की like, ये कहां से आ रहे हैं यही तो गेम है यही गेम है मगर इज़ जज दैट कि वो जब आ जाता है ना आपको कंपेरिजन का बड़ा ख़तरनाक ये मैं सर कंपेरिजन सबसे बुरी चीज़ है लाइक यूनिक टू ऑलवेज़ एक चीज़ तो अपने अंदर इन्फोर्स कर दो कंपेयर करना है ख़ुद से करो यार आई नो ये बहुत चीज़ जो है ना अलाट पीपल आर टॉक अपॉटेड बट आई फील लाइक स्टिल नॉट स्ट्रेसड अनफ बिकॉज जब कम्पेरिजन पर करना आते हैं ना अब आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं आपको लगता होगा यार चले आपको नहीं मे बी बट जो कामन इंसान है उसे लगेगा यार वक्त ऐसा लगता है नहीं देट्स गुड लाइटिंग आई हेव ए जिम पम्प सही है लाइटिंग अच्छी है ब्राइटनेस कम की हुई है मैंने बहुत सारे फैक्टर होते हैं तो मुझे आई फील लाइक यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि यार हर वक्त मैं भी ऐसा नहीं लगता तो वाई वुस्ड like you know, यार आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डू वर्कआउट अपने कॉन्फिडेंस के लिए बिकॉज देखिए एट एंड ऑफ द डे अगर आप शीशे में देखेंगे एंड यू फील लाइक यू लुक गुड तो कॉन्फिडेंस तो फिर आपका वो होगा तो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द लोग करते ही इसीलिए लिएकज दे वॉन्ट अ लुक गुड बिकॉज इट्स समथिंग दैट कैन भी चेंज अब फेशियल फीचर्स तो आपके अनलेस लाइक यू लूज अ लॉट ऑफ फेस फैट हाँ चेंज मगर इतने चेंज नहीं हो सकते इतनी बॉडी बदल सकती है आपकी लाइक यू कैन लिटरली ग्रो यूर आर्म कैन गेट कट्स यू कैन गेट वेंस वो शक्ल भी तो नहीं हो सकता ना तो इस इज दैट वन पार्ट दैट्स टेक्निकली कस्टमाइजेबल तो इसीलिए आई फील लाइक लोगों को होता है यार के यू नो बड़ी एक मेन लाइन है वैसे दैट पीपल से टू यू नो कुछ लोग कहते हैं वो so much, मगर, बड़ी मुझे मीन बात लगती है like इतना बुरा लगता है उन लोगों के लिए <laughs> मेरे साथ जबकि एक बार ही हुआ था यू you नो know, आप लोग किस्सा बताते हैं एक मैं प्लीज मैं साउथन क्लब में थाट्स मैंने कोविड uh, में जाना वहीं स्टार्ट किया था यार मेरे पास एक uh, एक मेरा दोस्त आता है मुझे बोलता है यार तुम ये अच्छा उस वक्त मैंने बिल्कुल शुरू किया था ना वर्कआउट करना तुम्हारा फेस वॉज वेरी चबी बाल वाल आगे पीछे लाइक बिल्कुल मेरी हालत थोड़ी ख़राब थी तो तुम तुम वर्कआउट तो कर रहे हो मगर शक्ल तो तुम्हारी नहीं बदल सकते तुम। यार शे, यार major attack. कुछ बातें बतानी नहीं होती <laughs> मुझे क्यों बता रहे हो तुम तो? <laughs> बट ये वाली बात बड़ी मुझे वो करती है कि आई फील लाइक ग्लैमराइज तो नहीं मगर थोड़ा बहुत तो हाँ right? सही अच्छा वैसे टेल मे वन मोर थिंक नॉर्मली पीपल एसोसिएट केन स्पीक गुड

उसमें पता लड़कियों को क्या फील होता है फॉर एग्जाम्पल आई फील लाइक अ ऑफ द गर्ल्स मे बी इफ दर गन बी वॉचिंग दिस आर गन थिंक कि यार ये बहुत अपसेस्ड नार्सिसिस्ट है ये तो खुद की वीडियोज़ लेके बनाता रहता है तो उल्टा वो और उनको अनअट्रैक्टिव लगता है कज उन्हें लगता है दिस गैस अपसेस विद हमसेल्फ लाइक यू नो इसकी तो पर्सनलिटी कोई नहीं होगी ऑल ही डू एस टॉक अबाउट हमसेल्फ तो अगर आप जिम में बॉडी मांगे तो उल्टा आपके लिए और नेगेटिव हो रहा है बिकज़ और आपको मजीद देर मजीदन स्टे अवे फ्रॉम यू तो आई फील लाइक इट्स लिटरली एट द एंड ऑफ द डे आप बताऊँ आपको गेम कैसा आ रहा है बाली रहने का

तो मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं जो है ना उनके साथ बोलूँ कि वो मैं आपसे बात नहीं कर सकता मैं काम पे बिजी हूँ एन टॉक्सिक हूँ और ये चीज़ें करूँ यू नो बिकॉज मुझे पहले से पता है आई डोंट हैव टाइम फॉर वुमेन इन माई लाइफ द ओनली थिंग दैट आई हैव टाइम फॉर इज माई वर्क आई हैव टाइम फॉर माई फैमिली आई हैव टाइम फॉर माई फ्रेंड्स दैट्स इट अभी और कोई वो स्पेस अलॉट नहीं हुआ है मे बी इन अ इयर और टू वैन आई एम एट द पॉइंट वे यू नो नाउ आई कैन थिंक हाँ मे बी आई कैन आई कैन लाइक थिंक अबाउट इट अब मुझे वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा exactly है एग्जैक्ट But I can like you know think about maybe a girl. So tab I'll do it. But abhi I'm too focused on my grind and I'm just happy. Too focused on my grind. Too focused. Fair enough. Let's change this conversation to ah. AR by Warriors challenge. Okay. Dude, how did you crack that up? Yeah, ARV Warriors ka tha my captain Seher Beg, as you guys will know, uh, the best captain, Team Titan X. Unhone mujhe jo hai na, she messaged me and actually uh, she didn't message me. Basically, unki team mein ek aur Mavish, uh, the trainer at Corp. also very sweet person. उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यू नो दि इज एन अपॉर्चुनिटी एंड बाई डोंट यू कम एंड लाइक यू नो आपका आप सूट यू लाइक फिटनेस चांसेज होंगे इज्जन बी लाइक अमेरिकन जॉब वॉरियर

बट उसके अंदर आई लॉस माई चैलेंज बज बिकॉज यार इट सो स्के उस वक्त इन द मोमेंट काफी लोग कमेंट्स को लिख रहे थे यार ये तो इतना आसान है क्या फ़ायदा चार साल ट्रेनिंग करने का अगर आपने हारना नहीं था पानी में गिरना था भाई साहब जब आप उधर हो गए ना उस पोजिशन में वन टेक आपके पास सामने सेव रख देंगे ना बोलेंगे बीच में से काटो उसमें भी हो गया मैसा बिकॉज वो इतना टेंस होता है इतने बड़े बड़े कैमरा इतनी स्पॉटलाइट वो साइरन इतना स्केरी था टें वो स्टार्ट करने का एंड पीपल एवर्ज अगेंस्ट They're like proper MMA stars. Like, they're used to big audiences, big crowds, and I just wasn't used to that. So, in the next episode, they can come back. Oh, yes, for sure. Inshallah. They're going to do it. I think this is an insight. Which is not I'm going to do this It is an insight. Come back, come back, Comeback back. Come back, boy, relentless. I'm very prone to come back. Okay. Tell me one more thing that, okay, you've done AIW Warriors Challenge. You are probably at your peak in terms of lifetime. How do you manage the two simultaneously i'm pretty sure it's a task on its own yeah uh, the thing was time management i mean it has been like a lot honestly but baat hai na, ke, karna <laughs> Like there's no working around it it's just uh, i try to manage my time but honestly ho paata, i'm just like dogging it out thugging <laughs> it out is what i've been doing that making things meet and sometimes it you know

Oh yeah, also, मैं एक पॉइंट रहा था सॉरी मैं बोलना भूल गया इज अबाउट यार के एक और चीज़ जो मैं यंग जनरेशन को बोलना चाहूँगा कि यार हाँ बॉडी बनाना इंपॉर्टेंट है मगर प्लीज़ इसलिए नहीं, नहीं बनाओ कि यू वॉन्ट गर्ल्स यू वॉन्ट अटेंशन ट्रस्ट मी यू कुड हैव द मोस्ट एस्थेटिक फिजिक यू कुड लुक लाइक एलेक्स यू वैन यू कुड लुक लाइक डेविड लेट मगर अगर आप अपना मुंह खोलेंगे ना आपको बात करनी नहीं आती तो आप का कोई गेम नहीं है ट्रस्ट मी इज नो गेटिंग आउट ऑफ दैट तमीज बींग जेंटलमैन नोइंग हाउ टू टॉक

that's a good way to put it <laughs> okay let's take, take this conversation to the fact that you've done ary Warrior mm -hmm. your challenge you had a lot of discipline but i'm pretty sure you lost the first round okay? yeah, that yeah, happened. I lost, sir. you faced a setback I'm i pretty definitely did it. yeah uh -huh. i'm pretty sure in terms of your transformation itself, you faced a lot of setbacks already Bilkul. be it injuries be it mental resilience or something of that sort is there something in specific which you would like to actually highlight वॉट आई लाइक टू हाई आई थिंक इज कि द फैक्ट पीपल वॉन्ट एवरी थिंग क्विकली इंसान को हम इतना यूजटू हो गए ऑफ लाइक अ फास्ट पेस लाइफ आप इंस्टाग्राम पर जाओ रील्स देखो तो देर जस्ट सिक्स सेकेंड सिक्स सेकंड वीडियोज़ यू नो हमारा अटेंशन स्पैन इतना ख़राब हो गया कि हमें ये भी लगता है हर चीज़ ज़िंदगी में आसानी से मिल सकती है दिस इज समथिंग दैट टेक्स टाइम लाइक अलॉट पीपल लुक इट मीन देर लाइक यार मुझे एक महीने में ऐसा चाहिए या एक साल में नहीं ये मैंने चार साल हफ्ते में छः दिन में गया हूँ कंटिन्यूसली बीच में आई वॉज वेकेशन फॉर सेवन मंथल इंजरी भी कोई नहीं हुई कुछ भी नहीं हुआ एंड जस्ट लाइक मेरे अंदर वो मेंटल इतना जब आपका वो स्ट्रॉग होता है ना कॉन्स्टेंटली एक चीज और बोरिंग हो जाती है इसीलिए बीच में स्टार्टुंग कैलिस्थनिक्स मैंने शुरू किया बिकॉज आई वॉन्ट न्यू चैलेंज इन लाइफ इट कॉन्ट रिपेटेटिव ना बार बार वेट लिफ्टिंग ज बोरिंग एंड इज समू रियालाइज दैट इफ यू गेटिंग इन टू दिस गेम ना ये भूल जाएं कि एक हफ्ते में रिजल्ट मिलेगा भूल जाएं एक महीने में मिलेगा छः महीने लगेंगे छह महीने की कमिटमेंट छ महीने हो गया लॉन्गर टर्म गोल ऑफ माइन इज यूथ के लिए मैंने किया है आई डिड इट बिकॉज आई फील लाइक के यहाँ के फिटनेस सीन में थिंग्स आर टू ओवर कॉम्प्लिकेटेड अभी भी देर आर पर्सनल ट्रेनर्स इन सर्टन टेक नेम्स उनकी ट्रेनिंग इज रिडिकुलस आई ऑनेस्टली वॉन्ट रिएक्शन वीडियो बट आई फील लाइक बहुत लड़ाइयाँ हो जाएंगी उसकी वजह से बट मैं करूँगा किसी और पर्सन के थ्रू मैं रिएक्शन वीडियो करूंगा खुद को इन्वॉल्व भी करूँगा मगर <laughs> यार यू सी सम ऑफ समे एंड ये लोग सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं इनके सर्टिफिकेशन और ये जो हरकतें कर रहे हैं उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता बेचे या yes, सीरियसली मैं आपको दिखाऊंगा आफ्टर दिस पॉडकास्ट आई एल शो यू सर्टन ट्रेनर्स एंड वट देर डूइंग एंड एस यार एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था एक ट्रेनर के साथ मेरे एक दोस्त को मैं लेके गया पाकिस्तान की बात है मैं एक जिम में उसे लेके गया और मैंने कहा यार कि ऐसी ट्रायल थी उसकी ना तो एक पर्सनल ट्रेनर उसके पास आया अच्छा मैं कहीं सेट वेट अपना कर रहा था तो दूर से मैंने देखा दस ट्रेनर स्टार्टेड उससे बात करना शुरू कर दी अब मुझे लग रहा था समथिंग जब मैं उसके पास गया अब वो ट्रेनर से बोल रहा है अच्छा ट्रेनर के इतने बड़े हाथ हैं सही है इतने बड़े ट्रेनर से बोल रहे हैं यार कि आप मेरे साथ ट्रेनिंग करो आई मेक यू लाइक मी

ये कितनी मतलब घटिया बात है यार आप किसी को कह रहे हो कि मैं आपको मेरी तरह बना दूंगा कैसे बनाओगे आप ये भी तो बताओ कि हाँ तुम स्टेरॉड लेने पड़ेंगे यू लेव टू पिन योर सेल्फ बिकम लाइक मी वो ही वॉज टॉकिंग टू हम ना वो उसको पूरी उसने इमेज दे दी थी कि यार तुम बस मेरे साथ ट्रेनिंग करो मेरे पास जादू की छड़ी है मैं घुमाऊंगा और तुम मेरे लाइक यू बिकम लाइक मी बस बिकॉज क्लाइंट चाहिए था मैंने तो अपने फिर मैं वहाँ आ गया मैंने कहा कैसे करेंगे आप मैंने कहा यू टेकन गेयर आई कॉल्ड द नॉट फॉर इट ईस आर डिनाइंग इट गॉट डिफेंसिव ऑब्वियसली मुझसे बड़ा था तो ही ये वो आवाज़ अपनी वो करना शुरू कर, कर दी हां चले जैसे आप सही कह रहे हैं हां आई एम श्योर आई एम श्योर दोस्त को लेके मैं निकल गया तो ये आई फील लाइक इस चीज़ को मुझे खत्म करना है विच इज़ वाई फॉर दस्ट सिक्स मंथ्स जस्ट टू मेक फिटनेस असेसबल आई हैर्किंग ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड आई एम गसली लॉन्च इथ सून एंड उसमें यही है कि मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल आई वो ना मेक इट एक्सेसबल टू दवाम लाइक जनरल आवाम को मुझे करना है बिल्कुल कंपेटिटिव प्राइस से मुझे ऐसी उनको चीज ला के देनी है कि उनका सब कुछ हो and not only that i also want to make a discord server which is going to be supportive to uh, everyone like it's going to be like a support group everyone's going to share their progress pictures everyone's going to show their results you know kind of like a broadcast channel kind of like a broadcast channel and this is like what my goal is right now is to make fitness accessible to everyone make it easy make it simple all of these fitness trainers man they're charging so much not all of them सम ऑफ देम का हाँ इट्स से आर लाइक यू नो ये लोग प्रॉपर सर्टिफाइड लोग हैं इनका बर्थ है टाप करें मगर मेजोरिटी ऑफ दैम आर जिसमे मनी एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है जो इंडस्ट्री में चल रही है बिल्कुल चल रही है और मेरा बस ये प्लान है कि अवेयरनेस करनी है ख़त्म तो नहीं कर सकते देखें यू कान्टज़ बी अनियलिस्टिक बट अवेयरनेस कर सकते हैं कि यार, you know, you exactly. मेरा सबसे जो लाइफ चेंजिंग थाना मोमेंट था, uh, था कि मैं मैशन बाजार लास्ट ईयर में गया था उस वक्त मेरे लाइक like,

he like he literally took mine and that just that gave me that extra boost i still remember that well, i'm exact pretty sure you remember this, this for the whole for, of for your life for my life yeah, yeah. exactly I was, i've seen that. damn okay if you're looking aesthetic you're looking as to the perfect alpha male and given the society that we're living in if you look according to the set standards of our society you're the perfect face for acting and modeling do we have something in the pipeline यार मेरा आई फील ऑन बड़ा बेबी फेस है तो आई डोंट नो मतलब आई एम ऑलवेज ओपन इट आई फील आइक आई कैन डू मॉडलिंग आई फील आई आई कैन डू एनी थिंग इज जस्ट दैट हर चीज में प्रैक्टिस चाहिए होती है तो आई एम नेवर डू गैट दी अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिस करेंगे मेहनत करेंगे एंड and that's practically the longer term goal that well. is that is also a longer term goal maybe kya pata movie mein aa raha hu who knows who knows this episode too? ke baad aap you'll see ali raza on the big screen oh itself oh my god new place pe <laughs> 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 <Done>. <laughs> but yes i think with that being said ali thank you so very much for being a part thank of this episode you, thank you sir we're coming Grab towards the end again. that's about it that's about it yep how do we end it we ended do with I, a pack up do i say anything special to you no um, thank you thank I, you so I, much I, for having me he's a, he's a very sweet individual

It means a lot for us to have you. Come Very on, man. Thank you. Okay. With that being said, thank you so much to all of you as well. Make sure to subscribe to the channel if you haven't. And as always, I'll catch you guys in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. <laughs>